नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ऐसे 10 आईएएस कोड के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हर एक सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो पे जरूर अंत तक बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आईएएस कोड जिनके बारे में हम लोगों ने कॉलेज में बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो ये है दोस्तों आईएएस 456-2000, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ओके, प्लेन कंक्रीट तो आप लोगों को पता ही होगा कि फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड, कोर्स एग्रीगेट और उसके साथ सीमेंट एंड वाटर की मिक्सर पर बनता है आपका प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। अब अगर हम लोग प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के साथ रेनफोर्समेंट डाल दे या फिर स्टील डाल दे तब हम लोग इसको कहेंगे आरसीसी और रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो इन दोनों के लिए आईएस 456-2000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कोड है इसके बारे में भी हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है, आईएस 800-2007, जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आईएस 875-1987, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। जो लोड आता है स्ट्रक्चर पे, चाहे डेड लोड हो, लाइव लोड हो, उसका जो कैलकुलेशन होगा तो इसके माध्यम से ही हम लोग कर सकेंगे। ओके, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को छोड़ के फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट कोड है आईएस 1893-2016, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करने के लिए आपको ये कोड के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड है देखिए आईएस 3370-2009, पार्ट वन एंड पार्ट टू, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड। लिक्विड को अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो उसके लिए आपको इस कोड के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस 383-2016, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। जो कोर्स और फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड हुआ, क्रास्टोन वगैरह, जो कोर्स एग्रीगेट है जो हम लोग कंक्रीट पे यूज करेंगे तो उसके लिए आपको जानना चाहिए आईएस 383-2016। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस 10262-2019, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शनिंग। जो मिक्स डिजाइन होता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप साइट पे काम करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस 1200 पार्ट 1 टू 28, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सिविल इंजीनियरिंग वर्क और मेजरमेंट वगैरह जो होगा तो इस कोड पे सारा दिया गया है किस तरीके से काम होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस 2911-2010 पार्ट 1 टू 4, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन की अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आईएस 800-1984, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्टील्स इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये भी स्टील का कोड है बट ये प्रीवियस वर्सन है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो इन 10 आईएस कोड के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसको छोड़ के भी बहुत सारा आईएस कोड है तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से 10 इंपॉर्टेंट कोड के बारे में आप लोगों को बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।